अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद फारूक अली है। मेरे वालिद मोहतरम सैयद लेट सैयद लियाकत अली मरहूम सैयद लियाकत अली साहब है। यहाँ पर 71 ईयर से अलामा मुबारक बैठते हैं। इसको क़ायम मेरे वालिद साहब किए हैं। अब वालिद साहब गुजरने के बाद में इस चीज़ को लेकर मैं चल रहा हूँ। मुहर्रम का चांद दिखते ही यहाँ पर पिठारा लाकर यहाँ अलामा मुबारक दस्तियाब करते हैं और अपने आप वालों का अड़ोस पड़ोस वालों का बहुत अच्छा सा ताउंड रहता है। बस बस्ती वालों की मदद मिलती है और बस्ती वाले बहुत सारा कॉपरेट करते हैं हर चीज़ के बारे में, उस चीज़ को लेकर चलते हैं। और सात मुहर्रम के दिन काफ़ी तादाद में ज़ायरीन का हजूम रहता है और बेखसूस हर मज़हब और मिल्लत के लोग यहाँ पर तशरीफ लाते हैं। और सात मुहर्रम के दिन अलावे का प्रोग्राम होता है, अलावा जलता है। और आठ मुहर्रम के दिन भी बेखसूस काफ़ी तादाद में ज़ायरीन रहते हैं। आठ मुहर्रम के दिन भी अलावा का जलता है, अलावे का प्रोग्राम होता है। और अलम जब गश करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा महल्ले का भी ताउन रहता है, पूरे महल्ले वाले भी संगत रहते हैं। अलम मुबारक पे पूरी जमात बनकर चलते हैं संगत जुलूस की शक्ल लेकर, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होता है। और ख़ास तौर के और उसके संगत एक पुलिस प्रोटेक्शन भी होता है, छोटा सा पुलिस प्रोटेक्शन भी अपनी हिफाजत के लिए लेके चलते हैं। और बहुत ही खसूसी MIM के जो MLA साहब के निगरानी में जो काम होता है बहुत प्यारा काम होता है। और MIM के जितने सरगर्म उन कारकों में उनका भी बड़ा ताउन रहता है, उन्होंने भी हर चीज़ के लिए लाइट्स के लिए इसके लिए अच्छे से मदद करते हैं, ताउन करते हैं। सब 70-71 अब तो आलम बैठ के 71 ईयर्स मुकम्मिल हुए हैं। मेरे वालिद साहब तो कायम किए हैं। वालिद साहब का मेरे इंतकाल होकर 13 साल कम्प्लीट हो चुके हैं। 13 साल से मैं संभाल रहा हूँ। 10 मुहर्रम के दिन बाद नमाज ज़ोहर अलम मुबारक सवारी खुल जाती है। ये पूरा मुरादनगर सैयद अली गुड़ा गश्त करते हैं, कर ये अपने प्रिंस बार के बाद से लेफ्ट टर्न लेके मेरा रायलसी आते हैं। रायलसी से बालाजी मकबरा जाते हैं। बालाजी मकबरे के सामने जो गैरेज है, गैरेज में अलम मुबारक ठंडे होते हैं। पूरा हम जुलूस की शक्ल में जाता है, पूरा पूरा महल्ला सांगात रहता है। Peace.